नमस्कार साथियों, मैं ओपी चौधरी निविया एजुकेशन सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है सरलीकरण। इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बोर्ड मास की। बोर्ड मास क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, उसके सवाल कैसे किए जाते हैं, सबसे पहले कौन सा चिन्ह हल करते हैं, सबसे बाद में कौन सा करते हैं, तो आइए चर्चा करते हैं इसके ऊपर। मैं आपको एकदम अच्छी तरह से बताऊंगा कि बोर्ड मास क्या चीज है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। लिखा गया है बोर्ड मास, तो सबसे पहले आता है बी का मतलब है ब्रैकेट, मतलब कोष्टक। ब्रैकेट यानी कोष्टक। तो कोष्टक में भी हमें सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करना है, उसके बाद मंझला कोष्टक, और सबसे लास्ट में बड़े कोष्टक को सॉल्व करना है। मैं जैसे बोल रहा हूं वो बातें आपको याद रखनी है, वो आपको आगे क्वेश्चन में काम आएगी। सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करना है, उसके बाद मंझला कोष्टक सॉल्व करना है, और सबसे लास्ट में बड़ा कोष्टक सॉल्व करना है। उसके बाद लिखा हुआ है ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी कि का। सवाल कैसे पड़ता है, जैसे 8 का 3 + 4 ऐसे करके सवाल पड़ता है, उसके बाद सॉल्व करना अपन को ये का, तो ऑफ का मतलब है का। उसके बाद लिखा गया है डी। डी का मतलब है डिवीजन, यानी कि भाग। उसके बाद हमें करना है भाग, उसके बाद हमें करना है भाग। उसके बाद लिखा है बोर्ड मास, मतलब बी ओ डी एम ए एस। एम का मतलब है मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा। भाग के बाद हमें सॉल्व करना है गुणा। गुणे के बाद लिखा गया है ए। ए का मतलब है एडिक्शन, यानी कि हमें करनी है जोड़। और सबसे लास्ट में हमें करनी है सब्सट्रैक्शन, यानी बाकी। एस का मतलब है सब्सट्रैक्शन, यानी हमें लास्ट में करनी है बाकी। वापस ध्यान देते हैं, सबसे पहले करना है ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट ओपन करने हैं। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद मंझला ब्रैकेट, और सबसे लास्ट में बड़ा कोष्टक। उसके बाद करना है हमें ऑफ, यानी का, और उसके बाद करना है भाग, उसके बाद करना है गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद बाकी। मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा कि इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं, कैसे किया जाता है, सबसे पहले ये कैसे करते हैं, कोष्टक कैसे सॉल्व करते हैं। तो बने रहिए हमारे इस क्लास में अंत तक। हम क्वेश्चन की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले समझो बोर्ड मास। सबसे पहले कोष्टक, कोष्टक में सबसे पहले छोटा कोष्टक, उसके बाद मंझला कोष्टक, उसके बाद बड़ा कोष्टक, फिर का, फिर भाग, गुणा, जोड़, बाकी। अगर इस प्रकार आप सवाल को सॉल्व करोगे तो आपका सवाल बिल्कुल राइट रहने वाला है। तो एक सवाल इसके ऊपर करते हैं। सबसे पहला आपको याद रखना है मैंने क्या क्या बताया था। सबसे पहला सवाल इसके ऊपर हम करते हैं, जैसे कर दिया हमने 54/9। 54/9 गुणा 4 + 4 गुणा 4 + 4 माइनस के 2। इसमें कोष्टक नहीं है, बाकी गुणा है, भाग है, जोड़ है और बाकी है। इसमें सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि भी कोष्टक करना है, तो सर इसमें कोष्टक है ही नहीं, तो अपन क्या करेंगे, उसके बाद का देखेंगे, इसमें का भी नहीं है। उसके बाद करना है भाग, तो जहां पे भाग का निशान है उसके एक इधर से संख्या को पकड़ना है और एक इधर से, उसके ऊपर एक बॉक्स बना देना है। ये हमें यहां पे भाग का निशान दिखाई दे रहा है, तो उसको एक इस तरफ से संख्या को पकड़ना है और एक इस तरफ से, और उस पे बना देना है कोष्टक। यानी कि सबसे पहले हमें यह भाग सॉल्व करना है। पहले बॉक्स में दिया गया है कि 54/9, यानी कि 9 का भाग 54 में देना है। कितनी बार जा रहा है, 9 × 54, मतलब 6 बार बराबर जा रहा है, और बाकी वाली संख्या को वापस उतार देना है। 6 यहां पे आ गया, इस बॉक्स का हल हो गया 6, तो गुणा 4 + 4 और माइनस के 2। अब भाग के बाद मैंने बोला था कि गुणा सॉल्व करना है, तो जहां पे गुणे का निशान दिख रहा है वहां से एक संख्या इधर से पकड़नी है और एक संख्या इधर से, उसके ऊपर बॉक्स बना देना है। तो हमने यहां पे बॉक्स बना लिया। अब इस बॉक्स को सॉल्व कर लो, 6 का पार 4 हो लो, 6 × 6 = 6 × 2 = 6 × 18 और 6 × 4 = 24। सर इस बॉक्स का हल हो गया 24, बाकी वापस उतार दो 24 + 4 माइनस के 2। अब गुणे के बाद हमने बताया था कि करनी है जोड़, तो प्लस को जहां पर प्लस दिख रहा है उसके एक इधर से संख्या पकड़ो और इधर से उस पर बना दो बॉक्स, तो 24 और 4 कितने हो गए 28, 28 और माइनस के 2 और अंत में घटा दो, 28 में से 2 गए, पीछे बचे 26।
हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है 26। पहले भाग किया, फिर गुणा किया, फिर जोड़ की और फिर लास्ट में बाकी की, और हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया 26। इसी के चलते एक सवाल और करते हैं, उसके बाद हम कोष्ठक वाला सवाल करेंगे, वो कैसे किया थे मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझाऊंगा। इसके ऊपर एक सवाल और लिखते हैं, 2 × 4 प्लस, सवाल है अगला 2 × 4 प्लस 28/7, 28/7 × 2 − 4 × 2 − 4 और अंत में है प्लस के 2। 2 × 4 प्लस के 28/7 × 2 − 4 प्लस 2, इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहां पे कोष्ठक भी नहीं है और का भी नहीं है, तो सबसे पहले हमें सॉल्व करना है भाग। तो जहां पे भाग का निशान देखे दे रहा है उसकी एक दाई तरफ से संख्या उठाओ और एक बाई तरफ से, और उसके ऊपर बॉक्स बना दो। तो यहां पे भाग का निशान देखे दे रहा है तो उसको एक संख्या ये लेनी है और एक संख्या ये लेनी है, उसके ऊपर बना दो बॉक्स। अब इस पहले चरण में हमें इस बॉक्स को सॉल्व करना है, बाकी संख्या को वैसा का वैसा उतारना है। करते हैं सॉल्व, पहले स्वयं मतलब वो सेम संख्या वापस लिखनी है, 2 × 4 प्लस 7 का भाग 28, 7 × 7 = 14, 7 × 21 और 7 × 6 = 28, मतलब 4 बार बराबर भाग चला गया, गुणा के 2 − 4 प्लस के 2। अब क्या करना है, भाग हो गए उसके बाद हमें करना है गुणा, जहां जहां गुणे का निशान देखे दे रहा है उसके एक संख्या बाई ओर से और एक संख्या दाई ओर से पकड़नी है, उसके ऊपर बॉक्स बना देना है। जैसे यहां पे गुणे निशान है तो इसकी एक संख्या इधर से और एक संख्या इधर से, बना लिया बॉक्स। सर एक गुणे निशान और देखे दे रहा है तो वहां पर बना लो बॉक्स। अब इनको सॉल्व करना है, बाकी वाली संख्या को सेम के सेम उतार लेना है। यहां पे है 2 × 4 बराबर यानी कि 8 प्लस का प्लस, यहां 4 × 2 = 8 माइनस के 4 और प्लस के 2। अब करनी है जोड़, तो डायरेक्ट कर लो, पहले प्लस प्लस वाला को जोड़ दो, उसमें से माइनस वाले घटा दो, तो ये माइनस का इसको अलग कर लो, पहले प्लस 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 वाला को जोड़ दो, 8 × 8 = 16, 16 × 2 = 18 यानी कि 18 − 4 हमारा आंसर आ गया 14। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर रहने वाला है 14। इसी के चलते एक क्वेश्चन और करते हैं, इस बार कोष्ठक आने वाले हैं, तो ये रहिए सावधान, 2 मिनट में करने वाले गणित का धुआं धुआं। अगला क्वेश्चन है कोष्ठक वाला, वो कैसे किया जाता है आप बिल्कुल अच्छे तरह से समझ लीजिए, क्योंकि ये हर जगह आपको काम आने वाला है। अगला सवाल है बड़ा कोष्ठक 24/8, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बड़ा कोष्ठक 24/8, 24/8, उसके बाद है मंझला कोष्ठक, मंझला कोष्ठक आगे लिखा हुआ है 4 × 2 + 2, 4 × 2 + 2, मंझला कोष्ठक बंद, आगे है 4/2 − 2, 4/2 − 2 और बड़ा कोष्ठक बंद। इस क्वेश्चन में टक्कर होने वाली है हमारी गणित से, क्योंकि इसमें कोष्ठक कारक है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की क्या बात है जब हम आपके साथ हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है, सबसे पहले मैंने बताया था कि कोष्ठक में छोटा कोष्ठक हल करना है, तो इसमें छोटा कोष्ठक नहीं है, तो मैंने बाद बताया था, उसके बाद मंझला कोष्ठक यानी कि इस कोष्ठक को सॉल्व करना है। इसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, क्वेश्चन में भी बहुत सेम नियम रहेगा, सबसे पहले भाग करना है, उसके बाद गुणा करना है, उसके बाद जोड़ करनी है और सबसे लास्ट में बाकी करनी है। तो करते हैं इसको सॉल्व, बाकी संख्या को सेम लिखना है, 24/8, यहां पे वापस, यहां पे सबसे पहले गुणा होगा तो इसके ऊपर लगा लेते हैं निशान, मतलब बॉक्स बना लेते हैं, मंझला कोष्ठक 4 × 8 + 2, वापस मंझला कोष्ठक बंद, यहां पे 4/2 और −2, ये बड़ा कोष्ठक वापस बंद कर दिया। अगले चरण में क्या करेंगे, इस कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद बड़े कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। तो 24/8
यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर दो संख्याओं के बीच में कोष्ठक है और बीच में कोई निशान नहीं है तो वहां पे हमेशा गुणे का निशान आने वाला है। जैसे यहाँ पे आठ है, बीच में कोष्ठक है, कोई निशान नहीं है तो बीच में आएगा गुणा। तो यहाँ पर जोड़ दो आठ और दो हो गए दस, तो दस। इधर भी दो और चार के बीच में कोष्ठक है, कोई निशान नहीं है तो वहां पर भी आएगा गुणा। तो यहां हो गया गुणे का चार भाग दो माइनस के दो, कोष्ठक बंद। अगला है, अब क्या करना है भाई साहब, वापस वही सेम बात आ गई कि सबसे पहले भाग करो, गुणा करो, जोड़ करो, बाकी करो। अब सबसे पहले जहां जहां भाग का निशान देखे दे रहा है उसके एक तो लेफ्ट से संख्या उठाना और एक राइट से उस पर बॉक्स बनाकर उसको हल कर देना है। सर ये रहा भाग का निशान, तो इसके एक तो लेफ्ट से एक राइट से बना दिया बॉक्स, यहां पर बना देना है बॉक्स। पहले इसको सॉल्व करना है, उसके बाद गुणे को सॉल्व करना है। तो यहां पे कर दिया आठ का भाग चौबीस में दिया, तो आठ तीन चौबीस यानी तीन बार बड़ा कोष्ठक, तीन गुणे का गुणा दस गुणा दो का भाग चार में दिया, तो दो दो चार यहां पे आ गए दो और माइनस के दो, बड़ा कोष्ठक बंद। अब क्या करना है, अब करना है गुणे को सॉल्व। तो डायरेक्ट ये गुणा यहां पर दिख रहा है, इस पूरे गुणे को साथ कर लेना है, बराबर दस तीस और तीस गुणे साठ, यानी कि साठ माइनस के दो बराबर हमारा आंसर इस क्वेश्चन का रहने वाला है अट्ठावन। इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है अट्ठावन। अब एक लास्ट सवाल इस पे वर्क करेंगे, इसमें तीनों कोष्ठक में शामिल करूंगा, तो बने रहिए इस क्लास के साथ। लास्ट क्वेश्चन में इसके ऊपर और करवाने वाला हूं, तो अंत तक इस क्लास में जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लास्ट सवाल है इसके ऊपर, बड़ा कोष्टक उसके बाद है दो गुणा दो, दो गुणा दो मंजिला कोष्टक, फिर है पांच छोटा कोष्टक, चौबीस भाग छह, चौबीस भाग छह छोटा कोष्टक बंद, उसके बाद है दो मंजिला कोष्टक और प्लस के चार, प्लस के चार बड़ा कोष्टक बंद। आपको दिख रहा है सर ये इतना बड़ा सवाल है, इतना भारी सवाल है, इसको हम कैसे करेंगे? तो आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले छोटे कोष्टक को सॉल्व करना है। तो करते हैं छोटे कोष्टक को सॉल्व, बाकी संख्या को सेम का सेम उतारना है। तो यहां पे बड़ा कोष्टक, तो लिख दिया बड़ा कोष्टक दो गुणा दो, वापस मंजिला कोष्टक पांच। यहां पर हमें ध्यान देना है कि अगर दो संख्याओं के बीच कोई कोष्टक है अगर और बीच में निशान कोई निशान नहीं है तो वहां पे हमेशा गुणा आएगा। तो 24 और 5 के बीच क्या है, कोष्ठक है, कोई निशान नहीं है तो कोष्ठक हटते ही वहां पे आ जाएगा गुणे का निशान। तो यहाँ पे 24 में 6 का भाग दो, तो 6 चौक 24 यानी कि 4 बार गया आगे 4, यहाँ पे भी निशान नहीं है कोष्ठक है तो यहाँ पे आएगा गुणा, वापस दो मंजिला कोष्ठक बंद और प्लस के चार बड़ा कोष्ठक बंद। अगला वापस वही सेम करना है कि इसमें मंजिले कोष्ठक को सॉल्व करना है, दो गुणा दो। मैंने क्या बोला था कि अगर दोनों के बीच में कोई नहीं है भाई सॉरी कोष्ठक का निशान नहीं है तो वहां पे गुणे का निशान आने वाला है। यहां हमने लगा दिया गुणे का निशान, यहां कर लो 520 और 20 गुणा 40, या इस कोष्ठक पूरे का मान आ गया 40। यहां ध्यान रखना है कि दो संख्याओं के बीच में प्लस का निशान है, यहां पर गुणे का नहीं आएगा, जो निशान दिया हुआ है वही आएगा। तो यहां पर लिखना है प्लस के चार, अब पहले गुणा करना है उसके बाद जोड़ कर लेनी है। तो दो दूनी चार और चार सौ सोलह यानी यहां पे आगे 160 प्लस की चार, इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर आ गया 164। आज हमने चार क्वेश्चन के बारे में बात की, अगले क्लास में हम बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन लाने वाले हैं। सलीगढ़ में कौन कौन से सवाल पढ़ते हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हो आज जुड़े हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। अगली क्लास के लिए इंतजार करना। जय हिंद, जय भारत।